नगर निगम सीतामढ़ी में चुनावी सरगर्मी तेज। नगर निगम सीतामढ़ी क्षेत्र से उप मुख्य पार्षद पद प्रत्याशी अरुण कुमार राय से नगर निगम चुनाव को लेकर बातचीत की गई। विकास और सरकारी योजना जो जनता के घर तक पहुंच सके वैसे वह अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। किस तरीके से यहां के लोगों का विकास होगा, क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। और उन्होंने अपने सम्मानित जनता जनार्दन से अपने पक्ष में भारी से भारी मतों से विजय दिलाने की अपील की। देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। आज कानूनी जंग न्यूज के टीम सीतामढ़ी के बसवरिया में पहुंच चुके हैं। मैं आज एक ऐसे प्रत्याशी से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो विगत 15 वर्षों से वार्ड पार्षद के पद पर रहते हुए विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं। आइए मैं उनसे सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूँ। आपको हमारे चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को धन्यवाद। सीतामढ़ी शहर के तमाम जनता मालिकों को मेरा प्रणाम। चलिए आप अपना परिचय दें। मैं अरुण कुमार राय विगत 15 वर्षों से जनता का सेवा करते आया हूँ। इस बार मैं उम्मीद में आया हूँ कि मैं इससे आगे जाऊँ और जनता का सेवा करूँ। अच्छा, इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगा? जनता के लिए आप पहले कौन सा काम करेंगे बताइए। जनता के लिए सबसे पहला काम करेंगे, जैसे मेरे वार्ड में जल जमाव की समस्या नहीं है, वैसे हर वार्ड में हर जगह मैं समस्या को दूर करूंगा। जहां तक हमारी जानकारी है, हम लोग तो वार्ड के सभी वार्ड में घूमने का काम करते हैं। जहाँ भी गए, खासकर जब मैं खरवा गया तो वहाँ कहा कि नहीं, हमारा उप मेयर प्रत्याशी अरुण कुमार से अच्छा कोई नहीं हो सकता है। आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करता हूँ कि मैं चुनाव अगर जीत के आता हूँ तो सबसे पहले यात्री से जगह जगह शौचालय की व्यवस्था करवाऊँगा, ताकि हमारे समाज के महिला लोग बाजार जाती है तो उनको कष्ट दिक्कत होता है शहर में, उस समस्या को सबसे पहले मैं दूर करूँगा। मतलब महिला सशक्तिकरण पर आपका विशेष ध्यान दी है? हाँ, विशेष ध्यान महिला सशक्तिकरण पर है कि हमारे समाज की महिला हमारे शहर में जहाँ जाती है शौचालय का व्यवस्था नहीं है, हर जगह मैं शौचालय और यात्री से का व्यवस्था सबसे पहले करूँगा। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो सबको दुरुस्त करूँगा, सबको अच्छा करूँगा। जनता से चुनाव का समय नज़दीक आते जा रहा है और चुनाव आपको 28 तारीख से है, चुनाव में आप जनता से वोट देने के लिए क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करूँगा, जैसे मैं विगत 15 वर्षों से मैं अपने वार्ड का जनता का सेवा करता आया हूँ, उसी तरह उप मेयर बनने के बाद पूरे शहर के जनता का सेवा मैं उसी ढंग से करूँगा। अच्छा, अब आपका चुनाव चिन्ह क्या है और कितने नंबर पर है बताइए। मेरा चुनाव चिन्ह गेहूँ के बाली छाप है और क्रम संख्या 1 पर है। गेहूँ के बाली छाप हम चुनाव जीत रहे हैं। जैसे 15 साल जनता ने चुनाव वैसे फिर जनता महाराज जी का कहना है कि पहले तो नगर परिषद था, अब नगर निगम बना है। नगर निगम का मैं जब मेयर उप मेयर प्रत्याशी जीत कर आऊँगा तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी बेरोजगारी को दूर करना, शौचालय का निर्माण करवाना, गली में नली जली जो है पक्का सड़क का निर्माण करवाना, और सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव का और जाम की, मैं उससे मुक्ति दिलाने का काम करूँगा। कैमरामैन बैजू कुमार के साथ शिव शंकर यादव। जय हिंद, जय भारत।